भारतीय जनता पार्टी आज अपना 39वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। 39 सालों के लंबे सफर के बाद बीजेपी 2014 में भारत में अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई। बीजेपी के लिए खास है 6 अप्रैल आज के दिन ही हुई थी स्थापना। देश में जारी चुनावी माहौल के बीच आज का दिन बेहद खास है। 6 अप्रैल 1980 को तब के बॉम्बे और आज के मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। बीजेपी के 39वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज से 39 साल पहले बीजेपी ने कसम खाई थी कि वो समाज की सेवा करेगी और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयासों की वजह से आज बीजेपी भारत की पसंदीदा पार्टी बन गई। पिछले 5 साल में काफी कुछ हुआ है और हम आगे भी देश के लिए और काम करना चाहते हैं। बीते 38 सालों में बीजेपी ने 2 सीट से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सफर तय किया। हालांकि देश की ताकतवर पार्टी कांग्रेस से मुकाबला करते हुए बीजेपी के लिए ये सफर तय करना आसान नहीं था। इस दौरान पार्टी को कई उठा पटक और बदलावों से गुजरना पड़ा। जनसंघ से बीजेपी तक का सफर 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना से इस सफर की शुरुआत हुई। 1977 के बाद जेपी आंदोलन के बाद कई दलों को मिलाकर कांग्रेस के विरोध में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। जनसंघ भी इसमें शामिल थी। सरकार में 2 मंत्री बने, अटल जी को विदेश मंत्रालय मिला और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्रालय। हालांकि जल्दी जनता पार्टी की सरकार में कलह शुरू हुई, जिसके बाद जनसंघ ने खुद को सरकार से अलग कर लिया और आखिरकार 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में बदल गई। 1980 से शुरू हुआ यह सफर 2014 में उस वक्त सबसे बड़ी जीत का हकदार हुआ, जब मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी के लिए एक समय संभव दिख रही चीजों को भी संभव कर दिया। आज अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से भारत का नक्शा देखते हैं तो तस्वीर भगवा नजर आती है। और अब 2019 के चुनाव के वक्त एक बार फिर से इस जोड़ी के सामने 2014 का करिश्मा फिर से करने की चुनौती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।